पूरा बाहर आके सामने आके यू नो झिझक भी नहीं थी कहीं पे भी, सच्चाई पड़ी जाती है उनके रिव्यूज में, देखी जाती है। बहुत खुश हूँ और बहुत ही शुक्रगुजार हूँ ऑडियंस का और मेघना का कि उसने इतनी अच्छी डायरेक्ट की है और ऑडियंस ने इतने अप्रिशिएट किया फिल्म को, ये बहुत बहुत खुशी की बात है। जी, फिल्म को क्रिटिक्स ने भी बहुत ज़्यादा सराहा है, ये कहीं ना कहीं फिल्म के लिए बहुत बड़ी बात है। जी हाँ, पहली बार मेरे इतने सालों के करियर में फिल्म को यूनानिमस क्रिटिक्स ने और ऑडियंस ने एक साथ एक जैसा सराहा है। फिल्म जो है स्टार्टिंग में थोड़ी स्लो थी लेकिन अभी जो है पिकअप पकड़ लिया है वर्ड ऑफ माउथ से, तो क्या कहना चाहेंगे आप ऑडियंस से? ऐसे होता है कि अच्छी फिल्म जो है यू नो वो देर सवेर अपना रास्ता ढूंढ लेती है, अगर फिल्म अच्छी है तो वो फिर चलती है। तो बिजनेस आगे करेगी फिल्म बहुत ज़्यादा? जी हाँ, मैं बिल्कुल उम्मीद। थैंक यू। धन्यवाद कहना चाहूँगी, मतलब एक्सपेक्टेशन से मिलके या ज़्यादा ही मतलब अप्रिसिएशन मिली है और आई थिंक ये फॉर एनी फिल्म मेकर इट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग, खासकर कि इस तरह की फिल्म के लिए इस तरह की अप्रिसिएशन मिलना, अपनापन मिलना इज रियली स्पेशल, सो थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसा कभी नहीं होता है कि क्रिटिक से इतना बड़ा अप्रिसिएशन मिले, पहली बार किसी फिल्म को क्रिटिक ने इतना सराहा है, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? यू नो मैं आभारी हूँ क्योंकि हम फिल्म बनाते हैं और हम कई तरीके सोचते हैं कि हम किस तरह से अपने ऑडियंस को रिझाएं कि ये फिल्म देखने आए, लेकिन अल्टीमेटली जब क्रिटिक एक फिल्म के बारे में लिखता है या लिखती हैं तो ऑडियंस को भरोसा ज़्यादा हो जाता है, फिल्म मेकर से या हमारे प्रोमोज से कम क्रिटिक्स के ऊपर ज़्यादा भरोसा हो जाता है कि अच्छा इन्होंने ऐसा लिखा है तब तो ये फिल्म देखने जानी चाहिए। और सब बहुत बड़ी वजह इस फिल्म के सक्सेस की इस जिस तरह से क्रिटिक्स ने मीडिया ने इस फिल्म को सपोर्ट किया, इसके बारे में लिखा, बिल्कुल पूरा बाहर आके सामने आके यू नो झिझक भी नहीं थी कहीं पे भी, सच्चाई पड़ी जाती है उनके रिव्यूज़ में, देखी जाती है, दैट लेड टू द ऑडियंस कमिंग इन, तो वो बहुत बड़ा पार्ट है मीडिया और रिव्यूअर्स का, क्रिटिक्स का। इंडस्ट्री से किस तरह के? देखिए फैमिली तो बायस रहेगी क्योंकि वो मेरा हिस्सा है, मैं उनका हिस्सा हूँ, लेकिन जब फिल्म देखने के बाद आपकी फैमिली आपसे बात ना करना चाहे, और वो इसलिए नहीं कि वो शर्मिंदा है कि आपने ये फिल्म बनाई है, पर इसलिए क्योंकि वो फिल्म ने उनको ऐसे जाके छुआ है कि उनसे बोला नहीं जा रहा, वो मतलब आज तक मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। प्रीति मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? आपने पहले सोचा था कि फिल्म इतना बड़ा टर्न लेगी और सबको इतनी पसंद आएगी? एक्चुअली सोचा ही नहीं था, जब फिल्म को जब कहानी सुनी थी, विशाल जी मेघना के साथ बैठे थे, पूरी रिसर्च जो उन्होंने की थी उनके बारे में चर्चा की थी, ये सोचा ही नहीं था कि बिजनेस कैसा होगा, फिल्म कैसे रिसीव होगी, यही सोचा था कि ये कहानी बननी चाहिए, बाहर लानी चाहिए, एंड उसके आगे कुछ नहीं सोचा था। पर एक चीज़ मैं कहूँगी कि जो भी प्रोड्यूसर को अपनी कहानी पर विश्वास होता है ना, तो वो निडर होकर अपने शुक्रवार तक पहुँचते हैं। ये फिल्म शुक्रवार तक इनके भरोसे के वजह से पहुँची, ये बहुत बड़ी बात है इस तरह की फिल्म के लिए। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।